इजाजत लेकर गणतंत्र दिवस के दिन को तार तार करने वाले क्या वो तमाम लोग किसान थे? ट्रैक्टर परेड की इजाजत लेकर क्या गणतंत्र दिवस पर हिंसा करने वाले किसान थे? और ट्रैक्टर परेड की इजाजत लेकर गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हिंसा करते हुए देश को एक नफरत की तस्वीर दिखाने वाले क्या किसान थे? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जनता का टैक्स का पैसा, सार्वजनिक संपत्ति जो बनाई जाती है उस पैसे से बनाई जाती है, और उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले क्या किसान थे? कल तो देश संविधानिक दिन को मना रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान को तार तार करने वाले क्या किसान थे? आज जम्मू में गुस्सा फूटा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार नारेबाजी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि हिंसा भारत के संविधान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय हमेशा प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें कल लाल किले से दिखी, लाल किले के प्राचीर पर दिखी, जहां पर प्रधानमंत्री हमेशा तिरंगा फहराते हैं, वहां पर एक धार्मिक झंडे फहराया गया और वहां पर तिरंगे की जगह एक धार्मिक झंडा जो था वो दिखाया गया, जिसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा जो है जम्मू में देखने को मिल रहा है। सवाल यही है, इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसने हिंसा भड़काई, जिसने दिल्ली को हिंसा की आग में सुलगाया, और कौन है वो व्यक्ति जो अभी तक जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आया है? लेकिन किसान नेताओं की तस्वीरें जलाते हुए विरोध दर्ज किया जा रहा है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। राकेश टिकैत की तस्वीर जलाई जा रही है, योगेंद्र यादव की तस्वीर यहां पर जलाई जा रही है, हालांकि स्पष्टीकरण देने के लिए कोई सामने क्यों नहीं आया है, ये भी अहम सवाल है। देश सबको ये पाठ पढ़ाता रहा कि एक तरफ राजपथ पर भारत के गौरव की गाथा गाई जा रही थी और दूसरी तरफ नफरत की तस्वीर सभी मीडिया चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। वो तस्वीर दिखाई जा रही थी जिसकी भारत हमेशा निंदा करता रहा, लेकिन भारत में ऐसा हुआ और भारत में ट्रैक्टर रैली के नाम पर इस तरह की तस्वीरें पेश की गई कि पुलिस वालों को भी कुचला गया, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि हमारे जो देश का किसान है, जो देश के जवान के समक्ष आए, काफी ज्यादा भयभीत करने वाली वो तस्वीरें थी, काफी ज्यादा अचंभित करने वाली वो तस्वीरें थी। लेकिन जिम्मेदार कौन है, ये अहम सवाल है कि आखिरकार क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? अहम सवाल यही है कि किसान देश की मिट्टी से जुड़ा होता है, लेकिन उसी किसान के हाथ में लाठियां किस तरह की भयभीत करने वाली तस्वीर थी? अशोक जी हमारे साथ है, ये सवाल काफी अहम है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है आज वो हिंसक हो गया। जिसने तलवार उठाई वो मिट्टी से जुड़ा है। गणतंत्र दिवस के अंदर जिन जिन शहीदों का सम्मान हो रहा था उसका अपमान करा, वो क्या है? घोड़ों पर चढ़ करके बाला उठा करके सुरक्षा बलों का मारना, ये अन्नदाता है? ये अन्नदाता नहीं है, किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अन्नदाता का अपमान करा है। और वो लोग जो धरने पर बैठे हुए हैं वो सिद्धू कौन है? कहते हैं प्रधानमंत्री का आदमी है। तो प्रधानमंत्री ने कहा ट्रैक्टर चढ़ाओ, प्रधानमंत्री ने अनुमति दी, प्रधानमंत्री ने कहा ये सारी बातें करो। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे विषय के ऊपर, ये किसान नहीं है, ये दंगाई है। और गणतंत्र दिवस पर जिन लोगों ने इस तरह का कार्य करा है उनको पकड़ करके पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए, धरना उठाना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि भाजपा से संबंध है, भाजपा ने ये करवाया और धर्म विशेष का जो झंडा वहाँ पर लहराया गया, परमिशन जब ली भाजपा ने ली, परमिशन राकेश टिकैत ने ली और उसने कहा सब मेरे लोग वहाँ देख रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर कौन लोग थे जिन्होंने एक DSP को नीचे रौंदने का प्रयास करा, महिला को? वो कौन लोग था जिन्होंने पुलिस को नीचे रौंदने का प्रयास करा, जो पत्रकारों को भी निशाना बनाया, कैमरे? मैं कह रहा हूँ किसी को छोड़ा नहीं, वो प्रधानमंत्री के कहने पर हुआ या किसानों ने अनुमति ली? उन किसानों को पकड़ करके अंदर करना पड़ेगा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना पड़ेगा। दंगाई किसान राकेश टिकैत और जोगिंदर यादव और वो जो एक काका जी बाका जी, ये सारे के सारे लोगों को पकड़ करके तिहाड़ जेल के अंदर। ये भी कह रहे जब तक बिल वापसी नहीं होगी घर वापसी नहीं। अरे अब तुम समझो, दंगाई किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। कल की घटना के बाद किसान आंदोलन के विषय के अंदर चर्चा करना भी पाप हो गया है, और गणतंत्र पर अपमान ये कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसलिए वो अपनी टेंट फूड़ी चुके हैं
और घर जाएं वापस। साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा, काफी ज्यादा रोष यहाँ पर देखा जा रहा है। और अहम सवाल यही है कि जो हमारा देश हमेशा शांति का पाठ पढ़ाता है, वहाँ पर हिंसा कैसे हो गई? विरोध करना व समर्थन करना लोकतंत्र का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध की मर्यादा को भूल जाना, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ मुझे अर्जुन के साथ मैं रूहानी आपसे पहले तो मुस्कान।